जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन मर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पता है इतना अच्छा रिव्यू देखने को मिल रहा है, जो भी पढ़ाया है वही फंस रहा है। अभी तो मैंने 100% में से सिर्फ 50% ही पढ़ाया है और जो भी पढ़ाया है पूरा फंसा है। आप देख रहे हो ना, जो भी लिखा है उसमें से मध्यकालीन इतिहास मैंने नहीं पढ़ाया, नहीं तो पूरा फंस रहा है पूरा। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा बताऊंगी क्या फंस रहा है क्या नहीं फंस रहा और कैसे 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 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप देख लीजिए, नृत्य मैंने आपको कराए हैं, ठीक है, समझ गए ना। और इसमें संबंध वाले प्रश्न भी मिल रहे हैं कि बताइए इस नृत्य का संबंध किससे है, तो आपको उनका नाम बताना है या वो आपको उनका नाम दे देंगे कि बताइए उनका संबंध किस डांस से है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये मैं आपको पूरा करा चुकी हूँ, आप इसको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। घराने बहुत अच्छे तरीके से कराए हैं मैंने आपको, वादक और वाद्य यंत्र से हर पेपर में प्रश्न आपको, ये पूरा सेशन देख रहे हो ना, ये पूरा सेशन ही देखने को मिल रहा है, वादक एवं वाद्य यंत्र से देखने को मिल रहे हैं। महोत्सव और संस्कृति से कहीं कहीं एक प्रश्न देखने को मिल रहा है, कहीं कहीं दो प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, पुस्तक एवं लेखक एग्जैक्ट वही प्रश्न देखने को मिला है, खिलाड़ियों की पुस्तक लिखाई है ना, खिलाड़ियों की पुस्तकों से देखने को मिल रहे हैं। देखो सोचो कितनी अच्छी बात है, तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जानी है। उपाधियों में किसने किसको कौन सी उपाधि दी और किसने किससे कौन सी उपाधि ली, उपाधि आप सारी पढ़ के जाइएगा। स्टैटिक का पूरा पोर्शन आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाओगे ना, तो आप मुझसे कहोगे कि दीदी हाँ आपकी स्टैटिक फंस गई, लेकिन आप एक बार अच्छे तरीके से पढ़िए तो सही। और देखो मध्यकालीन इतिहास मैंने पढ़ाया नहीं है, आप खुद से इसको अच्छे तरीके से कवर करके जाइएगा। सल्तनत काल पढ़ के जाइएगा, अकबर बाबर ये जितने भी मुगल काल है सारे आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। प्राचीन इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ा दिया है उसको पढ़ लीजिए, और ऊपर ऊपर का मोटा मोटा आप ल्यूसेंट की बुक से पढ़ लीजिए। ठीक है, आत्मकथा पढ़ा चुकी हूँ, आत्मकथा से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, स्टैटिक में ही पढ़ाया है। ठीक है, एमएस एक्सेल एमएस वर्ड ये भी मैंने एक क्लास कराई है, उसमें मैंने शॉर्टकट की लिखाई है और कॉपी पेस्ट वगैरह भी लिखाया हुआ है, तो मेरे द्वारा जो पढ़ाया है उसको पढ़ लीजिए। और एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड को आप बुक से कर लीजिए, कंप्यूटर में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड को अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, समझ गए ना। अभी और बताती हूँ कैसे कैसे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। साथियों देख लीजिए, ये पुस्तक मैंने कराई है स्टैटिक में, तीन पुस्तक की मैंने आपको वीडियो कराई है, उसमें से आपको ये पुस्तक देखने को अवश्य मिलेगी। और एक पुस्तक और मैंने देखी थी, वो फर्स्ट शिफ्ट में आई थी, 14 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में, वो खिलाड़ियों की पुस्तक पूछी थी और वो भी एग्जैक्ट मैंने कराई थी। ठीक है, तो मतलब कि पुस्तक वही पूछी जा रही है जो मैं करा चुकी हूँ, तो पुस्तक आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी है, इसके लेखक है नेल्सन मंडेला, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी हो सकती है। ठीक है, सत्यशोधक समाज, ठीक है, सारी पुस्तक आपको अच्छे तरीके से करके जानी है, पुस्तक एवं लेखक। ठीक, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने की थी। सारे समाज जितने भी हैं आपको सारे पढ़ के जाने हैं, ब्रह्म समाज सत्यशोधक समाज इसके बारे में डीपली अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है आपको। समाचार पत्र से प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, फुल फॉर्म से प्रश्न पूछा जा रहा है, पीपीपी की फुल फॉर्म पूछी है, परचेसिंग पावर पैरिटी। ठीक है, अब देखो ये प्रश्न करंट अफेयर की 5 मैंने वीडियो कराई थी, उसमें से एक प्रश्न ये बन गया, मतलब मैंने आपको 100% में से सिर्फ 50% पढ़ाया है, और 50% में भी देखो अगर 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो 7 प्रश्न मेरे वाले फंस रहे हैं, मेरे वाले। ठीक है, तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप पढ़ के जाइए और आपने जो भी पढ़ा है आप उसका भी रिवीजन करो, और मेरे वाले का तो ज्यादा से ज्यादा करो, क्योंकि 10 में से 7 बहुत होता है भाई, आपका सिलेक्शन 10 में से 7 में से तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो आप नहीं चाहते कि संजीवनी बूटी की जो मैंने क्लास कराई थी आप उनको अच्छे तरीके से पढ़े, तो आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ये UP SSC पैट नहीं है, ये SSC है, SSC अपने सिलेबस में से ही पूछता है। ठीक, देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में
पहली रैंक किस राज्य की है? महाराष्ट्र की पहली रैंक है, हरियाणा की दूसरी है, मध्य प्रदेश की तीसरी है। मेला से प्रश्न पूछा जा रहा है, मेला या उत्सव, इसको मेला बोल लो या उत्सव बोल लो, ठीक है, समझ गए ना। हडिंबा मंदिर पूजन हिमाचल प्रदेश में किस उत्सव में किया जाता है? तो डुंगरी मेला लगता है तब हडिंबा मंदिर पूजन किया जाता है। हडिंबा मंदिर कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में मनाली में है, ठीक है। त्योहार से प्रश्न पूछा जा रहा है, पारो सैचू त्योहार किस देश में? अब देखो देश की बात आ गई, आपको त्योहार देश के भी याद करने हैं और भारत के राज्य के भी याद करने हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के भी करने हैं। तो देखो ये भूटान है, आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, भूटान, ठीक है। पारो सैचू त्योहार भूटान में मनाया जाता है। साथियों एक प्रश्न आपका मठ से देखने को मिल रहा है, कहां से? मठ से। तो मठ आप पढ़ लीजिए, ठीक है, हर पेपर में मठ से प्रश्न देखने को मिल रहा है। कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, घूम मठ कहाँ का है? तो ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग का है। जनगणना, एसएससी जब भी कोई पेपर कराए और जनगणना का क्वेश्चन ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता। जनगणना ए टू जेड पूरी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। जनगणना से कैसा प्रश्न पूछा है उसने, 2001 से 2011 में हिंदू जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई? तो 16.8% की हिंदू जनसंख्या में वृद्धि हुई। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, पूरी जनगणना आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जानी है, ठीक है। बजट से प्रश्न पूछा जा रहा है, ए टू जेड पूरा बजट आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? पॉलिटी में पढ़ाया है ना, क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 ईस्वी में, ठीक है। तीन मैंने आपको मिशन कराए थे, तीनों मिशन अच्छे से करके जाने हैं, पूरी पॉलिटी तो आप रट के जाइएगा, अच्छा ही रहेगा आपके लिए। देखो खाना देश को अपने साम्राज्य में किसने और कब मिलाया? ये मध्यकालीन इतिहास का प्रश्न है। मध्यकालीन इतिहास मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप अच्छे तरीके से उसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। 1601 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने मिलाया था। महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव की स्थापना कब हुई? 1975 ईस्वी में। देख लो महोत्सव से इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं कि स्थापना कब की गई, आपको स्थापना याद करनी है महोत्सवों की, साथ में ये महोत्सव कहाँ पर है और ये खेल के रूप में कहाँ कहाँ आयोजित किया गया, ये सब कुछ आपको याद करना है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति जिनको हम एसटी बोलते हैं की संख्या कितनी है? 47 है। और यही अनुसूचित जाति की संख्या पूछी जाए एससी की तो वो कितनी है? 84 है, ठीक है, समझ गए ना। हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से है? वादक और वाद्य यंत्र तो मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से कराए हैं कि आप समझ गए होंगे, बांसुरी से है, ठीक है। साथियों नदी से प्रश्न देखने को मिल रहा है, किस प्रकार से देखने को मिल रहा है और किस किस तरीके से देखने को मिल रहा है? तो देख लो किस नदी के तट पर विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, समझ गए, उड़ीसा में है, ठीक है। सूर्य मंदिर की आधारशिला 1246 ईस्वी में रखी गई। तो देखो नदी कौन सी है? चंद्रभागा नदी है और उड़ीसा के पुरी में स्थित है सूर्य मंदिर, ठीक है, समझ गए ना। और आपको किस तरीके से याद करना है कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, ये सब कुछ आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। बल्कि आपको देश की नदियों के किनारे देश के कौन से शहर स्थित है ये भी याद होने चाहिए, और ये मैं करा चुकी हूँ, ठीक है। स्टैटिक की क्लास आप खोलेंगे ना तो आप खुद ही कहोगे कि हाँ आपने रियल में कराया है। तो देख लो मृणालिनी साराभाई, भाई एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल गया, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल गया। जो डांस है ना, नृत्य है, वहां से तीन प्रश्न देखने को मिले हैं आपके। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय डांस से है? तो भरतनाट्यम से है, ठीक है। एक और प्रश्न देखने को मिला था नृत्य का ही, वो हमने पढ़ लिया। और देखो मोहिनी अट्टम नृत्य में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? मैंने आपको ये भी कराया है कि ये पुरस्कार कब दिया गया और किसको दिया गया, तो ये दिया गया नीना प्रसाद को। तभी तो कह रही थी कि भाई स्टैटिक आप मेरे द्वारा पढ़ाई गई पढ़ के जाइएगा, अगर आप उस चीज को सीरियस लेंगे तो सिलेक्शन में आपको बहुत आसानी होगी। अगर आप सीरियस नहीं लेंगे, आप इधर उधर का फालतू में पढ़ रहे हैं तो सब बेकार है, ठीक है।
देखो खेल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नागेवाजा टर्म किस खेल से संबंधित है? जूडो से संबंधित है, ठीक है। और ये जितने भी मैंने लिखे हैं ना, ये सारे जूडो के हैं, जूडो से संबंधित हैं सारे। सुई, नागे, टाई, ओटोसी, काटा, गुरुमा, सुकुई, नागे, उकी, ओटोसी, ये सारे जूडो से संबंधित हैं। और एक प्रश्न ओजोन परत से देखने को मिला था, तो मैं आपसे कहूंगी कि आप वायुमंडल को अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। जब ओजोन परत से प्रश्न देखने को मिला है, तो वायुमंडल से भी प्रश्न देखने को अगले सेशन में आपको मिल सकते हैं, ठीक है। दिवस से अवश्य ही प्रश्न पूछा जाता है। एसएससी का रूल है कि वो टॉपिक अपने दिए हुए में से ही पूछता है। साथ ही देख लीजिए, मानसून से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। मानसून आपका किस में आता है? ज्योग्राफी में। तो मानसून चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। पूरे मानसून को मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया है, ठीक है। भारत में मानसून की अवधि पूछी है, कब से कब तक है? तो देखो, जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक है, मतलब कि दिन कितने हो गए? 100 से 120 दिन तक मानसून आपका चलता है भारत में, ठीक है। घाटी से प्रश्न पूछा जा रहा है। घाटी भी आपका किस में है? देखो, मैंने घाटियों के बारे में स्टैटिक में भी पढ़ाया है, ज्योग्राफी में भी पढ़ाया है, ठीक है, समझ गया ना। स्पीति घाटी पूछी है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। संविधान जितना भी पढ़ाया है पूरा पढ़ के जाइएगा, और जितना नहीं पढ़ाया उसको अपनी तरफ से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, ठीक है। और ये प्रश्न तो एग्जैक्ट शुरुआत से ही पूछ लिया है। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है, उसमें समाजवादी शब्द को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो प्रस्तावना में सिर्फ एक बार तो क्या हुआ है? संशोधन। और वो कौन सा हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ठीक। साथ ही जैसा कि मैंने आपसे बोला था, स्पीति या घाटी वाले प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लाहौल स्पीति, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश का जिला है, ठीक है। और देखो, ये नोट पॉइंट मैंने खुद अपनी तरफ से लिखा है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल आपसे पूछ सकता है पेपर में, तो आप बता दोगे लद्दाख है, ठीक। अगला प्रश्न जो आपके पेपर में पूछा गया है, बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले कवि अश्वघोष किस शासक के दरबार में रहते थे? तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। आप एक बार अच्छे तरीके से याद कर लेना, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है कि कौन सा शासक किस दरबार में था, ये आप एक बार अच्छे तरीके से याद कर लेना। प्राचीन भारत में है, ठीक है। अब सूर्य के प्रकाश में विटामिन कौन सी होती है? सारी विटामिन आप याद कर लेना कि कौन से विटामिन में क्या होता है, किस विटामिन के कारण कौन सा रोग होता है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, ये सारे रासायनिक नाम आपको याद होने चाहिए। कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये सब कुछ आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अगला प्रश्न जो आपके पेपर में पूछा गया है, भारत में महान्यायवादी किससे संबंधित है? तो ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, या हम इसको बोल सकते हैं भारतीय सुप्रीम कोर्ट में सरकार का मुख्य वकील होता है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रारंभिक तमिल साहित्य, इसको तमिल साहित्य को संगम ग्रंथ भी बोलते हैं। तमिल साहित्य के अनुसार उझावर का जो अर्थ है, मतलब है, वो क्या है? तो साधारण हल चलाने वाले को बोला जाता है उझावर, तमिल साहित्य में। साथियों, भूकंप से, ज्वालामुखी से, ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रिव्यू मैंने आपको बताया है, 14 नवंबर 2023 को जो पेपर हुए हैं, पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, उनका रिव्यू है। अब आप देख लो, आप बोलोगे क्या कि जो पढ़ाया जाता है उसमें से नहीं फंसता? भाई, जो पढ़ाया जाता है उसमें से ही एसएससी पूछता है। देख लो, जो पढ़ाया गया है वही पूछा है, और हम चलते हैं एसएससी के सिलेबस के अनुसार, और सिलेबस के अनुसार जो पढ़ाया है वही पूछा है। तो बहुत खुशी होती है कि हाँ, हमने जो पढ़ा है
वही हमारा एग्जैक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।